हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। अगर आज के दिन की बात करें तो 2% के ऊपर के अपसाइड के साथ स्टॉक में हमको क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। स्टॉक में हमको 44 की लेवल से गिरावट दिखाई थी। उस वक्त हमने 34 के सपोर्ट लेवल को डिस्कस किया था कि 34 का इसका तगड़ा सपोर्ट लेवल है, इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो वैसे कंडीशन में हमको बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, ऐसा डिस्कशन हमने हुआ था। और स्टॉक ने हम देख सकते हैं एग्जैक्ट 34 के लेवल से बाउंस बैक किया है और इस बाउंस बैक के साथ स्टॉक अब ऊपर की ओर ही सस्टेन होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से अगेन रिजेक्शन लिया था 38 के लेवल से, 36 के लेवल से बाउंस बैक, और अब स्टॉक जो है हम देख सकते हैं रिजेक्शन जो फेस कर रहा है वो 38-39 के आसपास ही हमको रिजेक्शन फेस करता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं इसी लेवल से हमको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है, सेलिंग देखने के लिए मिल रही, लेकिन इस बार हमको बड़ी गिरावट देखने के लिए नहीं मिल रही। स्टॉक अपने ऊपर की ओर ही पॉजिटिव ट्रेंड में ही सस्टेन हो रहा है और अपने ब्रेकआउट के पूरे पूरी तैयारी कर रहा है स्टॉक। यहाँ से हमको 38 का लेवल ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। पहले हम डिस्कस करते हैं सपोर्ट लेवल को। 37 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक जब तक 34 के ऊपर है इसमें बड़ी गिरावट नज़र आना हमको मुश्किल नज़र आ रहा है। पूरे पावर सेक्टर में हमको तेज़ी देखने के लिए मिल रही है, मार्केट में भी बड़ी तेज़ी नज़र आ रही है, तो सुजलॉन एनर्जी में भी यहाँ से हमको ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। ब्रेकआउट की पूरी पूरी तैयारी नज़र आ रही है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। जैसे ही इसका 38-39 का लेवल ब्रेकआउट होगा नेक्स्ट टारगेट देखने के लिए मिलेगा 40 इसका तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है, लेकिन स्टॉक इस बाउंस बैक के साथ इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है, इसको भी ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ सकता है। 40 का लेवल ब्रेकआउट हो गया तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमको देखने के लिए मिलने वाला है ये जो इसका हाई है 44 का लेवल। 44 तक के लेवल हमको सुजलॉन एनर्जी में शॉर्ट टर्म में ही देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर 44 के लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है तो अगेन इसमें हमको और बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय और सेल की सलाह नहीं है।